Good evening and the session of the day. Let us start with few lines. कुछ लाइनें हैं जो शुरू करता हूँ. तुम किसे आवाज़ देते हो? तुम किसे आवाज़ देते हो साहिलों की समत भागे जा रहे हो? तुम किसे आवाज़ देते हो साहिलों की समत भागे जा रहे हो? क्या तुम्हारा कोई अपना है जिसे तुम ढूंढते हो? तुम किसे आवाज़ देते हो साहिलों के समत भागे जा रहे हो? क्या कोई तुम्हारा अपना है जिसे तुम ढूंढते हो? या कोई तुमसे बिछड़कर सीपियों की कोख के रास्ते साहिल पार दुनिया में पड़ा तो आवाज़ देता है तुम्हें को? तुम किसे आवाज़ देते हो साहिलों के समत भागे जा रहे हो? क्या तुम्हारा कोई अपना है जिसे तुम ढूंढते हो? क्या कोई तुमसे बिछड़कर सीपियों की कोख के रस्ते साहिल पार दुनिया में पड़ा आवाज़ देता है तुम्हीं को? जिस किसी को फिर से पाने की तमन्ना है, जिस किसी को फिर से पाने की तमन्ना है तो अपने हाथ फैलाए हुए दिन रात साहिल की तरफ क्यों भागते हो? जिस किसी को फिर से पाने की तमन्ना है तो अपने हाथ फैलाए हुए दिन रात साहिल की तरह यूं भागते हो. क्या तुम्हें भी याद अब आता नहीं है? भूलना तो याद है तुमको, सच बताओ. सच बताओ, तुम्हें इतना तो अब तक याद है ना, या इसे भी भूल बैठे हो? कहो गर तुम्हें यह याद है कि, गर तुम्हें यह याद है कि तुम समुंदर हो, ये तुम्हारी मौज है कि तुम जिसे चाहो भुला दो फिर कभी न याद करने को. सच बताओ, तुम्हें इतना तो अब तक याद है ना, क्या इसे भी भूल बैठे हो? कहो अगर तुम्हें यह याद है कि तुम समंदर हो, यह तुम्हारी मौज है कि तुम जिसे चाहो भुला दो फिर कभी न याद करने. भूल सकने की तुम्हें तौफीक है ना, भूल सकने की तुम्हें तौफीक है ना, फिर किसे आवाज़ देते हो साहिलों की समत भागे जा रहे हो. गुड इवनिंग. वी स्टार्टिंग द डे विथ पोएट्री बिकॉज टुडे इट वॉज नॉट अ वेरी गुड डे. आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं थे. आज जो आपका सेशन है, यू कैन से इट इज अ रिपीटेड सेशन विथ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. जो आपका मिडिल हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें चार पार्ट हैं. एक आपका सल्तनत काल है, एक आपका 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 जो है कहते हैं ये बाबर अकबर जहांगीर का जो काल है, आपका मुगल काल है. दक्षिण भारत के तीन राज्य हैं, बहमनी, विजयनगर, चोल. भक्ति संप्रदाय, सूफी मत और हिंद और इंडो इस्लामिक कल्चर का एसिमिलेशन. ये चार पांच पार्ट हैं जो आपके सिलेबस में हैं. हमने अभी तक सिर्फ किया है आपका दिल्ली सल्तनत. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द इंडो इस्लामिक कल्चर. ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. तो जब भारत में तुर्क आए, उनके आने के बाद भारत में एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ जो न तो विशुद्ध हिंदू संस्कृति थी और न ही पूर्ण रूपेण एक मुस्लिम संस्कृति थी, बल्कि दोनों संस्कृतियों के समन्वय के कारण एक ऐसा तत्व विकसित हुआ जिसको हम इंडो इस्लामिक या भारतीय इस्लामिक संस्कृति का नाम देते हैं. और अगर हम इस संस्कृति का परिपक्व, मैच्योर और पूर्णता प्राप्ति का युग देखना चाहें तो सम्राट अकबर के समय में हमको देखने को मिलता है. लेकिन इसकी प्रक्रिया तुर्कों के आगमन के साथ ही आरंभ हो गई थी. अरबों के सिंध के विजय के उपरांत ये जो दोनों संस्कृतियां हिंदू और मुस्लिम या हिंदू इस्लाम संस्कृतियां थी, ये आपस में सम्मिलन करने लग गई. अरबों ने भारतीयों से गणित के अंकों का प्रयोग सीखा तथा ज्ञान के संवर्धन के लिए गणित
ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति आदि के संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया। खलीफा हारून उल रशीद ने भारतीय वैद्य माणिक्य को अरब आने के लिए आमंत्रित किया और खलीफा मंसूर ने भारतीय ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। तो दो खलीफा ऐसे हुए जिन्होंने भारतीय ज्ञान की परंपरा में एक अपनी रुचि प्रस्तुत की। तो खलीफा हारून उल रशीद ने भारतीय वैद्य माणिक्य को आमंत्रित किया अरब आने के लिए, तो खलीफा मंसूर ने भारतीय ज्योतिष को आमंत्रित किया भारतीय ज्योतिष को आमंत्रित किया अरब आने के लिए। अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत दिल्ली या पवित्र दिल्ली के नाम से पुकारा, कहा और इसे दूसरा स्वर्ग और न्याय का एक महान केंद्र कहा। ये जो मेरा ये आज का लेक्चर है, इट विल अगेन लोडेड विद अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत से रिसर्च करने के बाद बहुत से तथ्यों को इकट्ठा करता हूँ और मेरा यह प्रयास होता है कि ऐसा एक लेक्चर तैयार हो कि उसके बाहर कोई फैक्ट रह न जाए और वह प्रश्न पत्र के हिसाब से हो। तो मैं आपको प्रिलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से लेके चलूंगा, लेकिन अभी शुरू हेंस करते हैं कि जो अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा, तो अभी तक में 3-4 सवाल बहुत ही बेहतरीन आपके सामने आ गए कि किस खलीफा ने भारतीय वैग्य माणिक्य को अरब आने के लिए आमंत्रित किया और किस खलीफा ने भारतीय ज्योतिष को आमंत्रित किया, किसने दिल्ली को हजरत दिल्ली, पवित्र दिल्ली या दूसरा स्वर्ग और न्याय का एक महान केंद्र कहा था। जो हिंदू मुस्लिम परंपरा है, जो एक हिंदू इस्लामिक परंपरा का जो विकास हुआ है, इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान कारण थे, एक क्या था, एक समान प्रशासन व्यवस्था थी। दोनों देशों के बीच एक समान प्रशासन व्यवस्था थी। अगर आप याद करें तो मैंने कहा था जो बलबन का राजत्व सिद्धांत था वो भारतीयों के लिए नया नहीं था। जो एक दैविक गुण का सिद्धांत था वो भारतीय परंपरा में पहले से ही था। तो बलबन के लिए यह आसान हो गया कि देश की जनता को यह समझाना कि शासक में राजत्व है। दूसरा, एक समान मिश्रित जनभाषा का विकास हुआ। तो एक समान प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक मिश्रित जनभाषा थी और सूफी और भक्ति आंदोलन ने बहुत बड़ा योगदान दिया एक हिंदू इस्लामिक कल्चर के डेवलप होने के लिए। हम जब भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे तो हम उसको और बताएंगे विस्तार से। और भारतीय और फारसी दोनों ही साहित्य का विकास हुआ जिसने बहुत योगदान किया हिंदू इस्लामिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। यह व्यवस्था यहाँ तक आगे बढ़ने लग गई कि धर्म बहुत बड़ा कारक नहीं रह गया अपने राज्य में और शासन तंत्र में व्यक्तियों की नियुक्त करने के लिए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने श्री राज नामक एक हिंदू को अपने वजीर के रूप में नियुक्त किया। होप आई एम नॉट फास्ट वर्षा, यू हैव ऑलवेज कंप्लेंट मैं फास्ट हूं, होप आई एम नॉट फास्ट। वर्षा, निकिता, दुर्गेश, पुष्पा, प्रशांत, होप आई एम नॉट फास्ट। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने सिराज नामक एक हिंदू को अपने वजीर के रूप में नियुक्त किया और कश्मीर के सुल्तान जैनुल अबादीन ने
शारदा देवी के मंदिरों को, अमरनाथ और शारदा देवी के मंदिरों को दान दिया और जैनुल आबादीन शारदा देवी और अमरनाथ के मंदिरों में जाया करता था और उसने यहाँ के कुछ मुस्लिम शासकों ने मंदिरों के निर्माण में भी धन का दान दिया। हिंदुओं को अपने धार्मिक अनुष्ठानों और पर्वों को संपन्न करने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। जो एक सामाजिक रीति रिवाज थे, उस रीति रिवाज में कई हिंदू रीति रिवाज मुसलमानों ने भी अपनाए, जैसे एक नज़र लगना, बुरी नज़र से बचना, बुरी निगाह से बचना, नज़र लगना, बच्चों के सर पर टीका लगाया जाता है और यह रिवाज है हिंदुओं में कि बुरी नज़र से बचा जाए। इस हिंदू अंधविश्वास की परंपरा ने मुसलमानों की परंपरा में भी अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया और मुसलमानों ने इसको निसार कहा। जो एक बुरी निगाह या नज़र की परंपरा हिंदू अंधविश्वास की थी, वह परंपरा मुसलमानों में भी प्रवेश कर गई और उसको निसार नाम दिया गया। पर्दा प्रथा हिंदुओं की प्रथा कभी नहीं थी, इससे हिंदू अपरिचित थे। मुसलमानों के आगमन के बाद उनके प्रभाव से पर्दा प्रथा का हिंदू सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश होने लगा, लेकिन यह पर्दा प्रथा मुख्यतः कुलीन या उच्च वर्ग तक ही सीमित था, यह अभिजात वर्ग तक ही था और यह समाज के निचले हिस्सों में उतना व्यापक व्याप नहीं था। देखिए, अब ये ट्रैप सवाल है। पर्दा प्रथा के बाद ABC जब लिखते हैं तो उसमें यह लिख देंगे कि पर्दा प्रथा मुसलमानों से हिंदुओं में आई, ए। बी, पर्दा प्रथा को सिर्फ अभिजात वर्ग ने स्वीकार किया, सी। पर्दा प्रथा पूरे भारत में लागू थी, डी। पर्दा प्रथा का निम्न वर्ग की महिलाओं पर असर नहीं पड़ा। अब आप अगर ये सारे फैक्ट्स आपके पास नहीं आते हैं तो आपसे सवाल गलत हो जाता है। आपने इतना तो सीख लिया कि पर्दा प्रथा मुसलमानों से हिंदुओं में आई, लेकिन आपने उसके आगे का जो विश्लेषण है वो आपके दिमाग से स्लिप कर रहा है। दैट इज द प्लेस वेयर यू आर बीइंग कॉट इन द एग्जामिनेशन एंड योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। जो विवाह विच्छेद, जो तलाक की जो प्रथा थी, उससे हिंदू समाज अपरिचित था। अगर आप हिंदू धर्म को, समाज को आप देखेंगे मुसलमानों के आगमन से पहले, तो तलाक ऐसी प्रथा का कोई बहुत व्यापक हमको प्रयोग नहीं मिलता है। लेकिन उसका मुसलमानों कारण भारतीयों में उसका ज्ञान हुआ। एक हिंदुओं में, एक भारतीय परंपरा में एक पत्नी प्रथा का कॉन्सेप्ट था, मुसलमानों में नहीं था। लेकिन यह मुसलमान अकस्मात एकाएक इस प्रथा की ओर मुड़ने लग गए, अनुसरण करने लग गए। इसके कारण तलाक भी अपलोपी होने लगा। यह बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके मेंस के लिए। जब आप हिंदू और मुस्लिम एसिमिलेशन को लिखेंगे, जब भारतीय संस्कृति का इस्लाम पर प्रभाव, इस्लाम का भारतीय, सवाल आता है कि भारतीय संस्कृति और इस्लाम संस्कृति ने एक दूसरे को प्रभावित किया, मीन्स का सवाल यह आएगा, तो आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा। हिंदुओं के प्रभाव से विधवा विवाह विरल हो गया, हिंदुओं में विधवा विवाह नहीं हुआ करता था, यह भी मुसलमानों में असर लग गया। विधवा विवाह की परंपरा वहाँ पे कम होने, खत्म नहीं हुई, कम होने लगी। इसने मुसलमानों को प्रभावित किया। यहाँ तक कि जो एक जौहर या सती का जो मुद्दा था, वह भी यदा कदा मुसलमानों में दिखने लग गया। भटनेर के प्रशासक कमालुद्दीन और उसके सैनिक अपने स्त्रियों को जौहर रीत से जलाने के बाद तैमूर से युद्ध करने गए। तो जो एक जौहर की परंपरा भारतीय, जो जौहर की प्रथा भारतीय परंपरा में थी,
उससे मुसलमान अज्ञात थे पहले, लेकिन भारतीय परंपरा के कारण जो भटनेर के प्रशासक कमालुद्दीन थे, उन्होंने अपने सैनिकों की स्त्रियों को जौहर रीत से जलाने के बाद तैमूर से युद्ध करने गए। दहेज प्रथा मुसलमानों में नहीं थी, हिंदुओं में दहेज की प्रथा थी। तो हिंदुओं के प्रभाव से रिचा, व्हाट यू वांट टू रिपीट मी? आई यू वांट रिपीट मी फ्रॉम वेयर? जो विवाह, जो बुरी नजर था, जो बुरी निगाह या नजर था वह हिंदू अंधविश्वास था। उसने हिंदू अंधविश्वास जो था वह मुसलमानों में भी प्रचलित होने लग गया और उसको मुसलमान में नाम कहा गया निसार। तो जो नज़र था, उसका जो नज़र की जो एक अंधविश्वास की परंपरा हिंदुओं में थी वह मुसलमानों में व्याप्त हो गई, उसका नाम कहा गया निसार। पर्दा प्रथा हिंदुओं में नहीं थी, वह मुसलमानों से हिंदुओं में आई, लेकिन पर्दा प्रथा सिर्फ अभिजात वर्ग में ही था, वह आम जनता के बीच नहीं था। तलाक की प्रथा मुसलमानों में थी, हिंदुओं में नहीं थी। जो अब हम आते हैं कि जो एक जातिवाद था मुसलमानों में, जातिवाद पनप रहा था। हिंदुओं का जो जातिवाद था वो मुसलमानों में पनप रहा था और पारस्परिक संपर्क से नई जातियों और उपजातियों का सृजन हो रहा था। तो जो कास्ट सिस्टम है वह कास्ट सिस्टम हिंदुओं से मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा था और एक पारस्परिक संपर्क से ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। शिया और सुन्नी आपस में विवाह संबंध नहीं करते थे। हिंदुओं के वस्त्राभूषण और शिष्टाचार ने भी मुसलमानों को प्रभावित किया और दोनों संप्रदायों के अंतिम संस्कार से संबंधित रीति रिवाज भी काफी कुछ एक होने लग गए। जो हिंदुओं का श्राद्ध था, वह परंपरा मुसलमानों ने अपनानी शुरू कर दी और हिंदुओं के श्राद्ध की तरह मुसलमान ने सीमूर हिंदुओं के श्राद्ध की तरह मुसलमानों का एक परंपरा आई सीमूर, वह तीसरे दिन का रीति था। तो आप कह सकते हैं कि जाति प्रथा का प्रवेश हिंदू से मुसलमान में हुआ, शिया और सुन्नी का परस्पर विवाह नहीं होता था, हिंदुओं के वस्त्राभूषण और शिष्टाचार मुस्लिम पद्धति में प्रवेश करने लग गए और जो अंतिम संस्कार का रीति रिवाज था हिंदुओं का और मुसलमानों का, वह भी हिंदुओं ने मुसलमानों को प्रभावित किया। तो जो हिंदू परंपरा का श्राद्ध संस्कार था यह मुसलमानों ने सीमूर के नाम से मनाना शुरू किया और यह तीसरे दिन की रीति के रूप में मनाया जाता था। दोनों के वस्त्र पहनने में एक फर्क था, जो वेशभूषा पहनते थे। मुसलमान अपने जो कोट की डोरी है वह दाईं ओर बांधते थे और हिंदू बाईं ओर बांधते थे। तो जस्ट ट्राई टू सी ए फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू ट्रेडिशंस कि हिंदू और मुसलमान दोनों, हिंदुओं की जो
वस्त्राभूषण की परंपरा है वह मुसलमानों में कुप्रभावित कर रही थी। दोनों के वस्त्राभूषण की परंपरा जो उनके ग्रोथ पैटर्न थे एक हो रहे थे। एक फर्क क्या था वर्षा? नाउ इट्स फाइन। रिचा स्यूमूर एक शब्द है, जिसे श्राद्ध एक शब्द है वैसे स्यूमूर एक शब्द है, जिसे श्राद्ध हमारा किसी आदमी के मर जाने के बाद उसकी मुक्ति के लिए, उसकी मुक्ति और आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं, वैसे ही स्यूमूर तीसरे दिन मृतक की आत्मा की शांति के लिए मुसलमान करते थे। तो एक फर्क था कि मुसलमान जो अपने कोट की डोरी है वह दाईं ओर बांधते थे और हिंदू बाईं ओर बांधते थे। दोनों संप्रदायों को के लोग अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा घर पर ही देते थे। हिंदुओं का जो विद्यारंभ था वह उपनयन संस्कार से आरंभ होता था और मुसलमान अपने बच्चों को मकतब विद्यालय भेजकर बिस्मिल्लाह खानी रीति का अनुसरण करते थे। तो जैसे हिंदुओं में एक उपनयन का संस्कार था विद्यारंभ का, मुसलमानों में बिस्मिल्लाह खानी था। तो यह भी दोनों परंपर, यह प्रिलिम्स मीन्स दोनों में काम आएगा। जस्ट यू नोट डाउन इफ आई एम फास्ट, जस्ट यू राइट डाउन ऑल्दो आई एम स्लो। तो जो एक दोनों के संस्कारों में प्राथमिक शिक्षा को शुरुआत करते थे, एक का उपनयन संस्कार था, दूसरा का बिस्मिल्लाह खानी था। वो अपने बच्चों को मकतब विद्यालय भेजते थे और वहाँ शुरू करते थे। भारत में मुसलमानों के आगमन से पूर्व दास प्रथा का प्रचलन था। अगर आप मौर्य काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दास प्रथा एक भारत में पहले से थी, लेकिन मध्यकाल में इसका रूप बदल गया और एक हरम जो व्यवस्था थी जहाँ महिलाएं रहा करती थीं, वहाँ की रक्षा के लिए ख्वाजा सरा जो एक हिजड़े कहे जाते थे, नाम का एक विशेष वर्ग दासों के रूप में नियुक्त होने लगा। तो दास प्रथा, और जैसा हमने आपको पिछले बताया था कि फिरोज तुगलक ने दास प्रथा को यहाँ तक ले गया कि उसके काल में 180,000 दास थे और वह दास साम्राज्य की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लग गए और फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों के समय में उन्होंने शासक को नियुक्त करने में भी अपने अधिकार का प्रयोग किया। जो भाषा और साहित्य है उसका विकास हो रहा था, जो आधुनिक उर्दू है इसका विकास बोलचाल की भाषा के रूप में दक्कनी के रूप में हुआ। दक्कन में जो भाषा विकसित हो रही थी उसका नाम दक्कनी दिया गया, उसी ने आधुनिक उर्दू का रूप प्राप्त किया। यह दक्षिण के दक्कनों के सुल्तानों के दरबार में विकसित हुई और वहाँ पर इस भाषा को कतिपय अपनी विशेषता प्राप्त हुई। धीरे धीरे हिंदी और उर्दू में सम्मिलन होने लग गया, उर्दू के शब्दों का हिंदी में और हिंदी के शब्दों का उर्दू में इस्तेमाल होना शुरू हो गया और इन दोनों के सम्मिलन से एक हिंदवी या हिंदुस्तानी भाषा का विकास हुआ। मुल्ला नुसरती वाजी तथा खवासी जैसे प्रसिद्ध कवि इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह तथा मोहम्मद कुली शाह जैसे दरबारों के दरबारों में रहे। तो तीसरा अगला सवाल क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि मुल्ला नुसरती भाषा का जो विकास हुआ उसमें आधुनिक जो दक्कन दक्षिण के जो दक्कन राज्य थे, दक्कनी थी, वहाँ पर दक्कनी भाषा का विकास हुआ
और यह दक्कनी भाषा ही बाद में उर्दू के रूप में विख्यात होने लग गई। दक्कन के राज्यों दक्कनी भाषा का जो विकास शुरू हुआ वह उर्दू की तरह की भाषा थी, और उर्दू से हिंदी में, हिंदी से उर्दू में शब्दों का आना जाना शुरू हो गया और एक नई भाषा हिंदुस्तानी का जन्म होने लग गया जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के शब्द थे। और मुस्लिम शासकों ने दक्कन के मुस्लिम शासकों ने अपने दरबार में दक्कनी भाषा के या उर्दू भाषा के लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। मुल्ला नुसरती, वाजी तथा खवासी जैसे प्रसिद्ध कवि और इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह तथा मोहम्मद कुली शाह जैसे बादशाहों ने दक्कन की विचारधारा और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। तो आप कह सकते हैं कि जो दक्कन के जो सुल्तान थे, दक्कन के जो मुस्लिम सुल्तान थे, उन्होंने दक्कनी भाषा को बढ़ाया। वह खुद भी दक्कनी भाषा में सिद्धस्थ थे, वह खुद भी उस भाषा के जानकार थे, वह खुद भी बुद्धिमान अप्रबुद्ध थे और उनके राज्य में उस भाषा के जानकारों अप्रबुद्ध लोगों को प्रोत्साहन मिला। बंगाल के जो कुली कुतुब शाह थे, बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह, बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह ने रामायण और महाभारत का बंगाली में अनुवाद कराया। ये सारी चीजें मैंने पहले पढ़ाई हुई हैं, अब आपको मैं इस तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडो इस्लामिक कल्चर का कोई सवाल अगर आता है मेंस में, आप कैसे हैंडल करेंगे, प्रीलिम्स उसमें इम्बेडेड है, प्रीलिम्स के तो सारे सवाल ही हैं। तो बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद कराया और उन्हीं के संरक्षण में मालधर बसु ने श्रीमद् भागवत का बंगाली में अनुवाद कराया। और इसी काल में बंगाली साहित्य में मंगल काव्य नामक नवीन काव्य विधा का उदय हुआ। वर्षा, होप आई एम नॉट फास्ट ना, इफ फास्ट यू टेल मी, बिकॉज इफ आई एम फास्ट यू आर नॉट एबल टू राइट, देन देयर इज नो पॉइंट टू गिव दिस लेक्चर। तो बंगाली साहित्य में मंगल काव्य नामक नवीन काव्य विधा का विकास हुआ। यही नहीं हुआ, कुछ फारसी ग्रंथों का भी संस्कृत में अनुवाद हुआ। यू सी हाउ ब्यूटिफुली देयर इज एसिमिलेशन इन द लैंग्वेज, कि कुछ फारसी ग्रंथों का भी संस्कृत में अनुवाद हुआ। जिया नक्शवी बंगाल के नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत दोनों का बंगाली में अनुवाद किया और उन्हीं के संरक्षण में मालधर बसु ने श्रीमद् भागवत का बंगाली में अनुवाद किया। इसी काल में बंगाली साहित्य में मंगल काव्य नामक नवीन काव्य विधा का विकास हुआ। यह एसिमिलेशन वन साइडेड नहीं था कि सिर्फ बंगाली से ही अनुवाद हो रहा था, कुछ फारसी ग्रंथों का भी संस्कृत में अनुवाद हुआ। जिया नक्शवी वह पहले विद्वान थे जिन्होंने
संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। तूतीनामा नामक जो ग्रंथ था उसका फारसी ग्रंथ में मोहम्मद तुगलक के शासन काल में कार्य हुआ। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है कि दोनों ही संप्रदायों के बीच भाषा और साहित्य के स्तर पर आदान प्रदान हो रहा था। जो तूतीनामा एक भारतीय ग्रंथ था उसका जिया नक्शवी ने फारसी में अनुवाद किया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में संस्कृत कथाओं का संकलन किया गया। इसी फारसी लेखक ने कोकशास्त्र नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, जो कश्मीर के प्रसिद्ध सुल्तान थे जैनुल अबादीन। उन्होंने महाभारत, कल्हण की राजतरंगणी दोनों का फारसी में अनुवाद कराया। यह सारी प्रक्रियाएं यह बता रही हैं कि किस तरह से भाषा के स्तर पर एक सम्मिलन की परंपरा हो रही थी। जो हमारी आधुनिक उर्दू है जिसे मूलतः दक्कनी कहा जाता है, जो मैंने पहले आपको एक विस्तार बताया, वह दक्षिण भारत के दक्कनी सुल्तानों के राज दरबार में आत्मसात हुई और एक मिश्रित भाषा के रूप में विकसित हुई। और दक्कनी भाषा के जो प्रसिद्ध कवि थे उसमें मुल्ला नुसरती, वाजी, खवासी, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली शाह जैसे दक्कनी सुल्तानों ने दक्कनी भाषा के साहित्य, विचार एवं दर्शन के विकास में महान योगदान किया। वर्षा, यू आर नॉट सीइंग ऑन द प्रोजेक्टर, वहां काम नहीं कर रहा क्या? क्या प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर इज नॉट वर्किंग। क्या प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है क्या? जो फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट टू रिपीट मी, जो आधुनिक उर्दू भाषा है उसे मूलतः दक्कनी कहा जाता है और दक्षिण भारत के दक्कनी सुल्तानों के दरबारों में स्थानीय भाषाओं की विशेषताओं को आत्मसात किया गया। दक्कनी की या उर्दू के जो प्रमुख प्रसिद्ध कवि थे, यहां ठीक है नेट इशू, नो वर्षा, माइनेट इज फाइन। यहां पर जो उनके प्रसिद्ध कवि थे उसमें मुल्ला नुसरत काजी, वाजी, खवासी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली शाह आदि लोग थे जो जिया नक्शवी पहले विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। तो जो तूतीनामा था, जो तोता और शुक की कहानी थी मैंने पहले बताया था, उसका अनुवाद जिया नक्शवी ने किया। और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में संस्कृत कथाओं का संकलन किया गया। इसी फारसी लेखक ने कोकशास्त्र नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया।
कश्मीर के प्रसिद्ध जो सुल्तान जैनुल अबादीन थे, उन्होंने महाभारत एवं कल्हण की राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद कराया। और जो ये दक्कनी का विकास हुआ, वही आगे चलकर हिंदवी और उर्दू कहा जाने लगा। अगर हम उस सल्तनत काल में देखें जिस काल में संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा था, द इरा वेन द देयर वॉज एन एसिमिलेशन ऑफ द कल्चर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ दैट टाइम वॉज अमीर खुसरो। उस समय के जो प्रख्यात लेखक थे उसमें अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन, इन तीनों ने हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी जीवन, संस्कृति और धर्म के बारे में लिखा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। अगेन प्री का सवाल आपका आ गया। अमीर, हालांकि प्री के सारे सवाल हैं, लेकिन ये सवाल कुछ प्री के क्विज टाइप होते हैं जो कहीं मिलते नहीं आसानी से। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था, उसका नाम था अमीर हसन। वह सुल्तान बलबन के शासनकाल से लेकर दिल्ली सल्तनत के 6 शासकों के काल का चश्मदीद गवाह है। ही इज ए आई विटनेस ऑफ द 6th रूलर स्टार्टिंग फ्रॉम द बलबन। तो अगला बहुत अच्छा प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने कितने शासकों के राज्यकाल का चश्मदीद गवाह था, देखा। वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने फारसी भाषा की भारतीय शैली, जिसे सबके हिंद कहा जाता है, का सृजन किया। उन्होंने भारतीय भाषा की फारसी भाषा की भारतीय शैली, जिस सबक हिंद कहा जाता है, का सृजन किया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मुतला उल अनवर, मुतवा उल अनवर, शीरी खुसरो, लैला मजनू, आईना ए सिकंदरी और हस्त बिहिस्त। तुर्की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं मुतला उल अनवर, शीरी खुसरो, लैला मजनू, आइलाए सिकंदरी और हस्त बिहिस्त। अब क्या करेंगे, यही 4 किताब का नाम लिख देंगे और बीच में कोई किताब और डाल देंगे, फिर बोलेंगे कि कौन सी किताब अमीर खुसरो ने लिखी या कौन सी नहीं लिखी, जैसा भी सवाल पूछा चाहे। तो आपको ये किताबों का नाम अगर याद नहीं होगा तो उत्तर गलत ही होगा। अगर एक का भी नाम याद नहीं आया तो आंसर विल गो रॉन्ग। आप लोगों के इतिहास के सवाल गलत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इतिहास का सवाल बनाते समय यह कोशिश की जा रही है कि आपके बहुत ही डीपर नॉलेज को चेक किया जाए। तो जैसे ही एक भी फैक्ट आप मिस करते हैं, आपका सवाल गलत हो जाता है। तो इनकी किताब का नाम है मुतला उल अनवर, शीरी खुसरो, लैला मजनू, आईने सिकंदरी और हस्त बिहिस्त। उन्होंने दीवान, जो गजल का संकलन उसको दीवान बोलते हैं, दीवान एवं मसनविया भी लिखी।
उनकी रचनाएं, उनकी कई रचनाएं ऐतिहासिक हैं और उसमें कुछ सुल्तानों के शासन कालों का जिक्र है। खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का जिक्र किया है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि अमीर खुसरो ने अपनी किस किताब में, अपनी किस रचना में एक शासक के दक्षिण भारत के अभियान का जिक्र किया है। तो अलाउद्दीन की, तो उन्होंने अपनी किताब खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का जिक्र किया है। नूह ए सिपहर, यह नव आकाश या नव आकाशों को कहा जाता है, में सुल्तान मुबारक शाह खिलजी का जिक्र है। तो पहला आप याद करिए, खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का जिक्र है, तो नूह ए सिपहर में मुबारक शाह खिलजी के का जिक्र है। आशिका, आशिका में अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिजर खां के, गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी के साथ के प्रणय प्रसंग का मर्म वर्णन है। तो तीन महत्वपूर्ण किताबें अमीर खुसरो की हैं, खजाइन उल फुतूह जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का जिक्र है, नूह ए सिपहर में मुबारक शाह खिलजी का जिक्र है, आशिका में अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिजर खां का देवल देवी के साथ प्रणय प्रसंग का एक मार्मिक विवरण है, मिफ्ताह उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का जिक्र है, और तुगलकनामा में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सत्ता पर अधिकार करने तथा खिलजी वंश की स्थापना का जिक्र है। यह छह किताबें हैं जो अमीर खुसरो ने लिखी हैं और अलग अलग शासकों के बारे में लिखी हैं। इन छह किताबों में से एक का प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी में, वो आया हुआ है खजाइन उल फुतूह का, बाकी पांच के बारे में प्रश्न नहीं आया है। तो जो मैंने और पांच जोड़े हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ आई प्रिपेयर द लेक्चर फॉर यू, कि जब मैंने ये पाया कि खजाइन उल फुतूह के बारे में उन्होंने पूछ लिया है, खजाइन फुतूह सबसे प्रसिद्ध है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में बाकी सुल्तानों के बारे में भी जिक्र होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने उन छहों किताबों का जिक्र कर दिया कि जिन किताबों में अमीर खुसरो ने विभिन्न शासकों के बारे में जिक्र किया है। अगर आप ये सवाल गलत कर जाओ तो आप काफ़ी बड़ी मेरी मेहनत ख़राब करोगे। तो ये सवाल गलत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वर्षा, यू टेल मी, यू शुड नॉट गो रॉन्ग दिस, टुडे यू डन वेरी बैडली। मैं छहों किताब फिर से रिपीट कर देता हूँ करीचा। पहली किताब है खजाइन उल फुतूह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का जिक्र है। दूसरी है नूह ए सिपहर, इसमें सुल्तान मुबारक शाह खिलजी का विवरण है। तीसरी है आशिका, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिजर खां का गुजरात की राजकुमारी देवल देवी के साथ प्रणय संबंध का मार्मिक जिक्र है। मिफ्ताह उल फुतूह, जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का जिक्र है। तुगलक नामा, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सत्ता पर अधिकार करने तथा खिलजी वंश की स्थापना का उल्लेख है। अमीर खुसरो ने हिंदवी में काव्य रचनाएं की और उन्होंने हिंदी खड़ी बोली, उन्हें हिंदी खड़ी बोली के गद्य का जनक भी माना जाता है। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उन्होंने इसको जरूर पढ़ा होगा। और उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा
उर्दू साहित्य को नई दिशा प्रदान की। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला अच्छा सवाल क्या है कि अमीर खुसरो ने फारसी, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में अच्छा काम किया। एक फारसी की शैली का विकास हुआ उसमें, उसका नाम था मलफुजात शैली। इस शैली के अंतर्गत इसमें प्रसिद्ध सूफी संतों के साथ वार्तालाप, संवाद और प्रचलन का जिक्र है। तो एक ऐसी शैली का विकास हुआ फारसी की, उसका नाम है मलफुजात शैली। इस शैली में इस काल के जो प्रसिद्ध सूफी संत थे उनके वार्तालाप, उनके संवाद एवं प्रश्नों का संकलन किया गया है। जो एक फुवैद उल फुआद है, यह किताब का पुस्तक का नाम है। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रवचनों और शिक्षाओं का अमीर हसन सिज्जादी द्वारा संकलित एक संकलन है। तो जो फुवैद उल फुआद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रवचनों या शिक्षाओं का अमीर हसन सिज्जादी द्वारा संकलित एक संकलन कहा जाता है, यह मलफुजात शैली में है। खैर उल मियाज शेख नासिरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली का मलफुजात है। और सियार उल औलिया मीर खुरवुद द्वारा रचित सूफी संतों का जीवन कोश है। तो जो मैंने आपको मलफुजात एक शैली बताई कि जिसमें इस काल के प्रसिद्ध संतों का संवाद और प्रवचन लिखा गया है, उसी में फुवैद उल फुआद जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रवचनों का संकलन है, और खैर उल मियाज वो शेख नासिरुद्दीन महमूद चिराग के प्रवचनों का संकलन है। होप इट इज क्लियर। इफ नॉट क्लियर आई कैन रिपीट इट, आई हैव नो इशू इन रिपीटिंग इट, बट आई वॉन्ट इट नीड टू बी एसिमिलेटेड इन योर सेल्फ। जैसे हिंदी और कहते हैं हिंदू और मुस्लिमी संस्कृति का एसिमिलेशन हुआ है, सेम वे इट नीड टू बी एसिमिलेटेड इन योर ओन माइंड। यस वर्षा, नेम इज हार्ड, लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज नॉट इजी, एंड द एग्जाम विच यू आर एमिंग इज नॉट इजी। आप एक देवत्व प्राप्ति की कोशिश कर रहे हो। मैंने शायद इलाहाबाद के क्लास में कहा था कि जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है वह एक आम नौकरी नहीं है, वह एक देवत्व प्राप्ति का प्रयास है, और यह सबसे बड़ी परीक्षा है हिंदुस्तान की। तो वही है, एक ऐसा भी कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, सबसे कठिन परीक्षा है। अब उसका जब आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस बुक। पहली क्या है, जो एक मलफुजात शैली क्या है, मलफुजात शैली वह है जिसमें उस काल के मलफुजात क्या है, उस पहला सवाल प्री क्या है कि मलफुजात क्या है। मलफुजात वह है कि उस काल के प्रसिद्ध सूफी संतों के साथ वार्तालाप, संवाद और प्रवचनों का संकलन है। तो पहला मैंने क्या बताया, व्हाट इज मलफुजात, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू फॉर योर प्री एग्जाम, कि व्हाट इज मलफुजात। मलफुजात उस काल के प्रसिद्ध सूफी संतों के साथ वार्तालाप, संवाद और प्रवचनों का संकलन है। अब ये जो मलफुजात था, जो संकलन है, वो किसका किसका क्या है, तो फुवैद उल फुआद, ये सब फारसी शब्द है, फारसी नाम है, अपने कुत्ते याद नहीं होते हैं। फुवैद उल फुआद यह निजामुद्दीन औलिया के प्रवचनों का संकलन है। इसका संकलन किया किसने है, अमीर हसन सिज्जी ने। तो निजामुद्दीन औलिया के प्रवचनों का संकलन है फुवैद उल फुआद।
इसका संकलन किसने किया है? अमीर हसन सिज़ी ने। शेख नासिरुद्दीन महमूद का जो एक प्रवचन है उसका संकलन किया है, उसका संकलन का नाम है खैर उल मियाजह। खैर उल मियाजह, अभी आप बोर्ड नहीं देता, मैं लिख देता, मैं आपको चैट में लिख दूंगा क्योंकि इसका नाम क्या है, खैर उल मियाजह। और एक सियार उल औलिया है, सियार उल औलिया, यह मीर खुरवत द्वारा रचित है। इसमें सूफी संतों का जीवन कोश है। तो सूफी संतों की जो जीवनी कोश है वह है सियार उल औलिया। इसको मीर खरबूद ने इसको रचित किया। होप इट्स क्लियर। इसमें याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि 2 + 2 = 4 कर दें, यह याद ही करना पड़ेगा। मुसलमानों के आगमन से पहले भारत में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता था, तो भारत में पहली बार मुसलमानों ने बारूद और तोप का प्रयोग किया। और शायद कहते हैं जो तुर्कों ने, मुसलमानों ने भारत पर एक विजय हासिल की उसमें बारूद और तोप का काफी बड़ा योगदान है। जो संस्कृत से फारसी में चिकित्सा शास्त्र के से पुस्तकों का जो अनुवाद हुआ, संस्कृत से फारसी में जो चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक का अनुवाद हुआ उसमें तिब्बी ए सिकंदरी के नाम से संकलन किया। तो जो संस्कृत का जो चिकित्सा शास्त्र था उसको अनुवाद करके जिस एक किताब में संकलित किया गया उसका नाम है तिब्बी ए सिकंदरी। एक मैं धर्म थोड़ा सा करता हूँ, सिर्फ आपको हिंदू इस्लामी संस्कृति के साथ सम्मिलन के लिए, मैं सूफी और भक्ति संप्रदाय बहुत डिटेल में करूँगा, देट इज़ योर नेक्स्ट लेक्चर, जब मैं अगला लेक्चर लूँगा। तो जो एक धर्म के रूप में उत्तर भारत में रामानंद, कबीर, दादू, नानक, बुल्ले शाह, आप इनको याद करिए क्षेत्र वाइज भी, कई बार आता है कि कौन से किस क्षेत्र के थे। तो उत्तर भारत के हो गए रामानंद, कबीर, दादू, नानक, बुल्ले शाह। महाराष्ट्र के हो गए नामदेव, तुकाराम। मैंने आपको पहले ही लिखाया हुआ है कि कौन कौन संत किस जाति को बिलोंग करते थे। इन लोगों के प्रयासों से जो एक क्षेत्रगत सीमाएं थीं वह भी टूट रही थी। उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ भक्ति संप्रदाय की धारा बह रही थी। और इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के जीवन में विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में एकता लाने का प्रयास किया। तो जो एक धर्म था, जो हिंदू धर्म के भक्त संप्रदाय थे या सूफी मत के जो सूफी संत थे, इन दोनों ने हिंदुओं और मुसलमानों की आध्यात्मिक एकता में स्थापना करने की कोशिश की। इन दोनों के प्रयास से आध्यात्मिक स्तर पर जो चिंतन का स्तर था हिंदू और मुसलमानों का, जो एक ईश्वरवाद की अवधारणा थी, ईश्वर एक है, आत्मा और परमात्मा का जो सम्मिलन है, आत्मा ही परमात्मा है, जो एक ईश्वर में यकीन करने की अवधारणा है, जो बहु ईश्वरवाद मूर्ति पूजा पाखंड का विरोध कर रहे थे, जो जीवन में एक ऐसा सामंजस्य लाने की कोशिश कर रहे थे कि व्यक्ति का जीवन सरल और सहज हो जाए। और बौद्ध धर्म के बाद भारत में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ जैसा आंदोलन एक भक्ति संप्रदाय के रूप में को देखने को मिलता है।
हिंदुओं का भक्ति संप्रदाय हो या मुसलमानों के सूफी संत हो, दोनों जीवन में एक आचार संहिता की बात करते थे। वह दोनों ही एक सामान्य और सहज जीवन की अवधारणा पर बल देते थे। यह दोनों ही चाहते थे कि कुरीतियों से दूर रहा जाए, आडंबरों को त्यागा जाए। जो धर्म का एक बाहरी आवरण और आडंबर है, उससे मुक्त होकर व्यक्ति की आत्मा की शाश्वतता में यकीन किया जाए। जिस तरह से नानक, कबीर, चैतन्य, बुल्ले शाह हिंदू धर्म में अपनी प्रतिष्ठा पा रहे थे, वैसे ही मुस्लिम धर्म में, सूफी परंपरा में अली बिन उस्मान, ख्वाजा मुनीदुद्दीन चिश्ती, जलालुद्दीन महमूद जहानिया, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, फरीदगंज शकर, नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, मोहम्मद घेसुदराज आदि हमारे सम्मुख आ रहे थे। तो जो हिंदू और मुसलमान धर्मों के बीच एक आध्यात्मिक एकता की परंपरा आगे बढ़ रही थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन भक्त और सूफी संतों का था। मुस्लिम धर्म भी हिंदू धर्म की तरह आगे बढ़ा था। मुस्लिम धर्म भी हिंदू धर्म के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपना रहा था। मुस्लिम धर्म के लोग मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, फिर भी बंगाल में उन्होंने सीता, काली, धर्मराज, वैद्यनाथ आदि हिंदू देवी देवताओं की उपासना पद्धति को अपनाया और बंगाल के राज्यों में जो मुसलमान राजा थे, उन्होंने हिंदू मंदिरों और मठों को उदारता पूर्वक दान दिया। होप इट इज क्लियर। उन्होंने उदारता पूर्वक दान दिया। क्या आवाज साफ नहीं आ रही है? जो भारतीय और इस्लामिक कला की स्थापत्य शैली थी, द आर्किटेक्चर पैटर्न था, वह तकनीक में एक दूसरे से भिन्न था। लेकिन इन दोनों के समन्वय से हिंदी इस्लामी स्थापत्य कला का जन्म हुआ। अब जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन ए पॉइंट कि क्या हिंदू से मुस्लिम में गया और क्या मुस्लिम से हिंदू में आया। मुसलमानों ने हिंदू वास्तु शिल्प की विशालता, मजबूती, भव्यता, विस्तार, तो हिंदू स्थापत्य परंपरा से, फ्रॉम द हिंदू आर्टिकल्चर स्टाइल,
The Muslim has adopted the four important aspects of the Indian culture. So Indian architecture culture. Majbuti is strongness. Bhavita, grandeur. Vistar, extension. Vishalta. Vishalta, majbuti, bhavita, vistar. ये चार चीज आप जरूर लिखिएगा मेंस के एग्जाम में कि मुसलमान स्थापत्य कला ने हिंदू स्थापत्य कला से विशालता, मजबूती, भव्यता और विस्तार को शामिल किया और मुस्लिम शासकों ने यहां पर भारत में मेहराब, गुंबद, मीनार, मकबरे इसका प्रश्न किया. तो फोर एंड फोर, चार हिंदुओं ने दिया, चार मुसलमानों ने दिया. हिंदुओं ने क्या दिया? विशालता, मजबूती, भव्यता, विस्तार. चार दिया हिंदुओं ने. मुसलमानों ने क्या दिया? मेहराब, गुंबद, मीनार, मकबरे. गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? द फर्स्ट पॉइंट इज दिस अबाउट द इंडो इस्लामिक आर्टिकल्चर. भारत इस्लामी स्थापत्य कला में एक दूसरे का सम्मिलन कैसे हुआ? एनी प्रॉब्लम? दुर्गेश, निकिता, वर्षा, सृजन, राम प्रकाश, एनी प्रॉब्लम? रिचा, इट इज क्लियर? मुसलमानों ने संरचना और सौंदर्य को और बेहतर करने के लिए रंगीन पत्थरों, चमकीले टाइलों का प्रयोग किया. तो एक तो एसिमिलेशन हुआ कि चार पॉइंट इनके हैं, चार पॉइंट उनके हैं. नेक्स्ट क्या हुआ कि उन्होंने कहते हैं उन्होंने सौंदर्य को और अच्छा करने के लिए, समृद्ध करने के लिए रंग चमकीले टाइलों और रंगीन पत्थरों, तो रंगीन पत्थर और चमकीले टाइलों दोनों का इस्तेमाल किया. इट इज़ द सेकेंड पॉइंट. थर्ड, अपने अलंकरण को बेहतर करने के लिए कि बहुत अलंकरण बेहतर हो जाए, डिफरेंट लग जाए, उन्होंने बारीक वक्र रेखाओं और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, ज्यामिति डिजाइनों का प्रयोग किया गया. तो एक तो चार पॉइंट गया जो उसमें गया, फर्स्ट पॉइंट गया. दूसरा, उन्होंने रंगीन पत्थरों और चमकीले टाइलों का इस्तेमाल किया. आई एम जस्ट डिक्टेटिंग फॉर यू मेंस ऑल्सो, प्रीलिम्स तो आप कर ही लोगे कि कैसे मेंस को आप एड्रेस करेंगे. नेक्स्ट, उन्होंने भव्य अलंकरण के लिए बारीक वक्र रेखाओं एवं कॉम्प्लेक्स जटिल ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, ज्यामिति डिजाइनों का प्रयोग किया. अब मुसलमानों ने मस्जिदों और मकबरों के गुंबद पर पत्थर व कलश रखे. यह हिंदू परंपरा मुसलमानों में प्रवेश कर रही थी. भारत में आने से पहले ऐसा वो नहीं करते थे. तो हिंदू मंदिरों से प्रभावित होकर उन्होंने मस्जिदों और मकबरों के गुंबदों पर पत्थर और कलश को रखकर हिंदू मंदिरों के जो शिखर का आकार था, जो शिखर के ऊपर एक चोटी पर, शिखर पर एक कलश रखा जाता था, उस परंपरा को अपनाना शुरू किया. तो जो एक हिंदू मंदिरों पर शिखर पर कलश रखने की परंपरा है, जो आप देखते हैं ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर कलश होते हैं, उस परंपरा को अपनाते हुए मुस्लिमों ने अपने मकबरों और गुंबदों पर पत्थर के कलश को रखकर हिंदू मंदिरों की तरह बेहतर बनाने का प्रयास किया. जो मेहराबों को अपने अलंकृत करते थे वह भी हिंदू पद्धति से प्रभावित थे. तो मेहराबों को अलंकृत करने के लिए जो समृद्ध हिंदू अलंकरण पद्धति है, एक विधान है, उसको अपनाया.
तो मेहराबों को अलंकृत करने के लिए जो समृद्ध हिंदू अलंकरण विधान है उसको अपनाया। यही नहीं, मुगल स्थापत्य परंपरा का प्रभाव भारत के हिंदू मंदिरों पर पड़ा। अगर आप वृंदावन के मंदिरों को देखें तो वहां पर मुगल स्थापत्य कला अपनाई गई है। अगला बहुत अच्छा सवाल है कि कहाँ के मंदिरों में मुगल स्थापत्य कला अपनाई गई है, तो वृंदावन के मंदिरों के बहुत से मंदिरों में, सब मिले बहुत से मंदिरों में मुगल स्थापत्य कला अपनाई गई है। जो दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला थी वह उपयोगितावादी थी। जो एक विशाल प्रांगण बनाते थे वह उपयोगिता को ध्यान में रखते थे ताकि वहां पर बहुत से लोग एकत्रित हो सके। जो सल्तनत कालीन हिंद स्थापत्य परंपरा थी, अगर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करें कि यह कैसे विकसित होकर एक सम्मिलित परंपरा के रूप में सामने आई, तो पहले एक थी मेहराब और गुंबद। जो भारत में पहले एक परंपरा थी वो थी शहतीर और लिंटन की। शहतीर और लिंटन की परंपरा की जगह पर यहाँ मेहराब और शिखर का जो का स्थान मेहराब ने लिया, शहतीर और लिंटन का स्थान मेहराब ने लिया और शिखर का स्थान गुंबद ने लिया। तो जो हिंदू परंपरा में शहतीर और लिंटन की परंपरा थी उसका स्थान मुस्लिमों के मेहराब ने लिया और भारत की जो परंपरा शिखर की थी उसका स्थान गुंबद ने लिया। चूना और गारा का इस्तेमाल पहले नहीं होता था, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर रखकर हम लोग बनाया करते थे। इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो जो अपनी शैलियां हैं वो अलग थी। यहां पर जुड़ाई के लिए चूने और गारे का प्रयोग किया जाने लगा। पहले मंदिरों में जिप्सम का प्लास्टर नहीं होता था, मुगलों ने भवनों पर जिप्सम का प्लास्टर करना शुरू किया और पत्थरों का बहुत खुलकर प्रयोग करने लगे, प्रस्तर खंडों का खुलकर प्रयोग करने लगे। भवनों में पहले जो ज्यामिति जो ज्योमेट्रिकल जो डिजाइन थी, फूल पत्तियां थी और सुलेखी रेखाएं, उनका प्रयोग नहीं होता था। सल्तनत काल से इनका प्रयोग होना शुरू हो गया और जो दीवारें थीं उस पर कुरान के सूक्ति वाक्य लिखे जाने लगे, जिसको कूफी कहा जाता है। कूफी जो एक बहुत कलात्मक ढंग से लिखे जाते थे और सुंदरता में चार चांद लगाया करते थे। इनकी जो अर्बक्स शैली थी, जो अलंकरण की शैली थी, मैंने पहले बता दिया है, देयर इज नो नीड टू रिपीट इट अगेन अगेन सेम थिंग। जो अर्बक्स शैली थी, अलंकरण की शैली थी, वह एक शैली के रूप में विकसित हो गई। हिंदू अलंकरण शैली के कुछ प्रतीक जैसे घंटा, यस घंटा, कलश, घंटा, कमल, स्वास्तिक को शामिल किया गया। तो जो हिंदू अलंकरण विधान थे, घंटा, कमल, स्वास्तिक, इनको शामिल किया गया। इट इज वेरी फैक्ट लोडेड लेक्चर, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है। ये सवाल हिंदू इस्लामिक संस्कृति का बहुत आता है और अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे नंबर ही नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स तो ठीक है, प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा, मेंस में अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। यू सी द क्वेश्चन पेपर बहुत टफ, बहुत कॉम्प्लेक्स आता है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो सकता है। इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हम लोग टाइम में काम करती थी, आज काम नहीं कर रही है।
अगर आप थक गए हो तो आई कैन स्टॉप इट, अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है और यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट मोर, आई कैन स्टॉप इट, आई कैन कम बैक अगेन. तो घंटा कमल स्वास्तिक को शामिल किया जाने लगा. अब इन सारी विशेषताओं के साथ अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो कुव्वतुल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा दो प्रारंभिक महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो सल्तनत काल में. व्हाट आस्किंग वर्षा, व्हाट टू डू सर, क्या 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 करना चाह रही हूँ, टेल मी. तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपड़ा दो सबसे प्रमुख आरंभिक इमारतें हैं जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है. मैंने पहले बताया यह एक जैन मंदिर था, फिर एक विश्व विहार बना. तो अगर आपके सवाल आता है कि उसके पहले क्या था, तो आप लोग वहाँ पे विश्व मंदिर था. मैंने पहले बताया था कि 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया. और जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो एक मोनेस्ट्री था, एक विहार था. दूसरी इमारत महत्वपूर्ण है कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया. इसमें चार मंजिला इमारतें थीं. आकाश की से बिजली गिर जाने के कारण जो वर्षा में बोल रहा हूँ वही आपको लिखना पड़ेगा, इसी तरह से होगा. आई विल टेल कि हाउ टू राइट इन द मीन्स लेटर ऑन. जस्ट फर्स्ट रोट डाउन द ऑल फैक्ट्स एंड आई विल कम ऑन द इशू कि हाउ टू टैकल दिस इशू इन द मीन्स. चूंकि अगर ये सारे फैक्ट्स आप नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा. तो चार मंजिला इमारत थी और आकाश की बिजली गिरने से इसकी सबसे ऊंची मंजिल गिर गई थी. फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो मंजिलों का निर्माण कराया और इसे पांच मंजिला बना दिया. तो चौथी मंजिल टूट गई थी, चौथी मंजिल ठीक किया, एक और में पांच मंजिला हो गई. तो शुरुआत में यह चार मंजिल की इमारत थी, फिर पांच मंजिल की हो गई. कुतुब मीनार की जो पहले तीन मंजिल है वो इस फटिक स्टोन इस फटिक पत्थर खंड से बनाई गई है और चौथी एवं पांचवी मंजिल को लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर के साथ मिलाकर बनाया गया. तो कितने पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है कुतुब मीनार में, इस फटिक पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर. तो भी सवाल आ सकता है कि कौन कौन से पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है कुतुब मीनार में. और मीनार को अरबस्क एवं फूल पत्तियों से अलंकृत किया गया. जो खिलजी काल था इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराबें बनने लग गई जो पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर और अलंकरण के लिए संगमरमर का प्रयोग होने लग गया. अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार की दूनी ऊंचाई की इमारत बनाने का काम शुरू किया था, करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं सका. उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में एक प्रवेश द्वार बनाया जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है. तो कई बार सवाल आता है कि अलाई दरवाजा कहाँ है, तो अलाई दरवाजा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है. और उसने अपनी नई राजधानी सीरी का निर्माण कराया. ये अभी तक हो गया खिलजी और इल्तुतमिश. गयासुद्दीन तुगलक और उसके बेटे मोहम्मद तुगलक ने नई राजधानी के रूप में तुगलकाबाद नामक एक विशाल दुर्ग प्रसाद एक विशाल फोर्ट बनाया और यमुना को रोक कर इस दुर्ग के चारों ओर एक कृत्रिम झील का निर्माण कराया. तुगलक काल की इमारतों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी ढलवा दीवारें. एक बहुत अच्छा ये
प्रीलिम्स का सवाल है कि तुगलक काल की इमारतों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वह है ढलवा दीवारें। कुतुबुद्दीन फिरोज तुगलक ने कुतुब मीनार के साथ साथ कई पुरानी इमारतों का मरम्मत करवाया और उसने हौज खास में एक झील से घिरे एक विशाल आराम गृह का निर्माण कराया जिसको आमोद गृह या रिसॉर्ट बोलते हैं। उसने दिल्ली में एक नवीन राजधानी के रूप में कोटला फिरोज शाह का निर्माण कराया। मैंने फिरोज तुगलक पे एक अलग से क्लास लिया हुआ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अगेन रिकैप्चुलेट और गिव सम मोर फैक्ट्स कि आपके नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं। तुगलक काल में लाल बलुए पत्थर की जगह सस्ते भूरे पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। यह आपका तुगलक खत्म हो गया। जो लोदी काल है इसमें भवन को ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाने लगा। तो फर्स्ट रिमार्केबल डिफरेंस विच इज अपीयरिंग बिफोर अस इन द लोदी इरा इज दैट द स्ट्रक्चर वॉज ऑन ए प्लेटफॉर्म। तो भवन को ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाने लगा और भवनों को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने के लिए टू गिव मोर लॉफ्टीनेस दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाने लगा। एक बार सवाल आ चुका है बहुत साल पहले कि लोधियों ने दोहरे गुंबद का इस्तेमाल क्यों किया। तो भवनों को अधिक ऊंचाई प्रदान करने के लिए दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाने लगा। लोधी कालीन इमारतों की एक बहुत बड़ी विशेषता थी भवनों के आसपास फैले हुए उद्यान जो गार्डन्स हुआ करते थे और यही उद्यान यही गार्डन बाद में मुगल स्थापत्य कला की विशेषता हो गए। तो मुगलों ने अपनी स्थापत्य कला में जो ये गार्डन का कल्चर लिया था जो आप हम आगे बताऊंगा कि जहांगीर को बाग बहुत पसंद थे उसने बहुत से बाग बनाए थे तो वह एक परंपरा उन्होंने लोदी काल से ली थी। उस समय आसपास की छोटी छोटी राजवाड़ों में भी कला का विकास एक अलग दृष्टिकोण से हो रहा था। जौनपुर के जो शर्की शासक थे ये भी सवाल आ चुका है कि शर्की शासक का संबंध किससे है। आपके लिए बनाया गया हर लेक्चर 20 साल के पेपर का बहुत ही इंटेंस एनालिसिस के बाद होता है। जो आया हुआ है वो तो होता ही होता है, जो प्रॉबेबल क्वेश्चंस हैं वो मैं डालने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता नहीं है यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक क्या है बट आई ट्राई टू स्पेकुलेट और जज की क्वेश्चन हो क्या सकता है। तो जौनपुर के जो शर्की शासक थे उन्होंने बहुत मस्जिदों का निर्माण कराया और इब्राहिम शर्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। ये भी सवाल आ चुका है अटाला मस्जिद किसने बनाया है। इस शैली में जो कुछ और मस्जिदें बनी हैं उसमें है खालिस मुखलिस मस्जिद, झाझरी या छिद्रित मस्जिद। तो इसी तरह की शर्की शासकों की तरह की दो मस्जिद और हैं, वो है खालिस मुखलिस मस्जिद और झाझरी मस्जिद। अटाला मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मशहूर है, लेकिन जौनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद जामी मस्जिद है। ये भी सवाल आ चुका है जौनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद कौन, उसमें जामी मस्जिद का भी नाम लिख देंगे अटाला का लिख देंगे। तो हम लोग अटाला जानते हैं जामी जानते ही नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामी मस्जिद है जिसका निर्माण हुसैन शाह शर्की ने कराया। तो अटाला मस्जिद का निर्माण कराया इब्राहिम शर्की ने, जामी मस्जिद का निर्माण कराया हुसैन शाह शर्की ने। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आपके लिए जौनपुर के शर्की शासकों की स्थापत्य कला को जानने के लिए। उसके समय बंगाल में पंडुआ में सुल्तान सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। अगला सवाल आ चुका है अदीना मस्जिद कहाँ है। तो बंगाल में पांडुओं में सुल्तान सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया।
मालवा में, मालवा की राजधानी मांडू में सुल्तान हुशंग शाह ने जामी मस्जिद और अशरफी महल का निर्माण कराया। It is fine, any problem? I should go ahead. तो बंगाल में पंडुआ में सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। अब मालवा की राजधानी मांडू में सुल्तान हुसैन शाह ने जामी मस्जिद और अशरफी महल का निर्माण कराया। अब इन सारे फैक्टों का सिर्फ जिक्र क्यों कर रहा हूँ, एक तो प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा, मेंस में अब आप इसको कैसे आएंगे। ये क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्थापत्य कला शैलियाँ हिंद स्थापत्य कला का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। आप इनका जिक्र कर देंगे, आप इन सारों का जो मैंने जिक्र किया है आप सब जिक्र अपने मेंस की कॉपी में करते जाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि ये क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्थापत्य कला शैलियाँ हिंद इस्लामी स्थापत्य कला का वास्तविक प्रतिबिंब है। जो इस्लामिक विचार और हिंदू जो हिंदू स्थापत्य कला की शैलियों का जो सबसे बड़ा समन्वय हमको दिखता है, अगर ये कहा जाए कि हिंदू और इस्लामी स्थापत्य कला का जो समन्वय है उसका शिखर कहाँ है, सर्वोत्तम कहाँ है, वह है ईसा खां एवं हुमायूं के मकबरे में तथा अकबर के फतेहपुर सीकरी में। तो तीन इमारतों में हिंद इस्लामी स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष दिखता है, वह है ईसा खां एवं हुमायूं का मकबरा और फतेहपुर सीकरी के भवन। जो हिंदू के मंदिरों के शिखर पर जो कलश बनता था, जो स्वर्ण कलश बनता था, उसको मुसलमानों ने मस्जिदों और मकबरों के गुंबदों के ऊपर प्रस्तर कलश स्थापित करके हिंदू मंदिरों के स्वर्ण कलश का अनुसरण किया। इसको आप जरूर लिखिएगा कि जो हिंदू और मैं जितना बोल रहा हूँ आप इसको याद कर डालिए। अगर हिंद इस्लामिक अगर इंडो इस्लामिक कल्चर का सवाल आता है तो आप अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 10 में से 9 नंबर 8 नंबर आपको मिल सकता है, बिकॉज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉट ऑन दोज इशूज। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी विल टेक सम मोर टाइम। तो हिंदू मंदिरों के शिखर और स्थापित स्वर्ण कलश का स्थान मुसलमानों के मस्जिदों और मकबरों पर गुम्बदों के ऊपर जो प्रस्तर कलश था उसने ले लिया। और मेहराबों का अलंकरण के लिए हिंदू अलंकरण शैली का प्रयोग किया गया। जो मुगल कालीन उद्यान थे, अगर उनको आप ध्यान से देखें तो ऊपर एक से एक पर एक करके कई 8 पुश्तें बनाई गई जिन्हें सोपान उद्यान कहते हैं। इन सोपान उद्यानों में कृत्रिम सिंचाई और नहरों का प्रबंध करके इनको और बेहतर और सुंदर बनाया गया। रोक दे यहां पे, इट इज इनफ। आई थिंक आई नीड वन मोर लेक्चर। इफ आई विल फाइंड टाइम इन द नाइट आई विल कम बैक, अदरवाइज आई विल टेक यू टू टुमारो। टेक केयर, गुड नाइट, विल सी यू अगेन। थैंक यू। इफ वॉन्ट डू समथिंग राइट, कम ऑन द चैट।